नमस्कार, वेलकम यू ऑल वंस अगेन। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा चैप्टर यूनिट सेकंड चल रही है स्टीरोकेमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उसमें आज हम हमारा लास्ट लेक्चर कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि हमने शुरू किया था संरूपण समायत्ता में शुरू किया था। उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ने थे, संरूपण पढ़ने थे। हमने ईथेन के संरूपण पढ़े, हमने प्रोपेन के संरूपण पढ़े। अब बारी है हमारे ब्यूटेन के संरूपण की। जिसकी ब्यूटेन यहाँ पढ़ेंगे एन, ब्यूटेन के संरूपण। ठीक है, ब्यूटेन के कैसे संरूपण बनेंगे वो देखते हैं। क्या होता है ब्यूटेन? CH3, CH2, CH2, CH3। ठीक है, तो हमें जैसे हमने क्या कहते हैं प्रोपेन में इथेन में किए थे, उसी तरह से इसके भी संरूपण बनाएंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इन दो कार्बन्स को ले लें, ये फ्रंट वाला कार्बन हो जाएगा और ये बैक वाला कार्बन। इस कार्बन पर देखें तो दो हाइड्रोजन और एक मिथाइल ग्रुप है। इस कार्बन पर भी देखें तो दो हाइड्रोजन और एक मिथाइल ग्रुप है। तो हम इन दोनों कार्बन को ले सकते हैं। तो हम देखते हैं संरूपण, देखें कौन कौन से होंगे। तो ये बैक कार्बन है, ठीक है, और ये वाला है फ्रंट कार्बन। ये क्या है? फ्रंट कार्बन। फ्रंट कार्बन पर कौन है? दो हाइड्रोजन और एक CH3। लगा दो भाई, दो हाइड्रोजन और एक CH3। ऐसे ही बैक कार्बन पर भी कौन है? दो हाइड्रोजन और एक CH3। लगा दो भाई, दो हाइड्रोजन और एक लगा दिया हमने CH3। ठीक है, ये कौन सी फॉर्म है? ये वाली जो फॉर्म है ये कौन सी है? ग्रसित है, एक्लिप्स्ड फॉर्म है। हम पढ़ चुके हैं कौन सी फॉर्म है, ये एक्लिप्स्ड फॉर्म है। और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या होता है, दोनों CH3 CH3 एक दूसरे के आमने सामने है, दोनों HH एक दूसरे के आमने सामने है, ये वाले H भी एक दूसरे के आमने सामने है। तो इनसे इनमें क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा, और प्रतिकर्षण बहुत ज़्यादा होगा। तो प्रतिकर्षण बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये वाली जो फॉर्म है एक्लिप्स्ड फॉर्म, ये कैसी होती है? अनस्टेबल होती है। कैसी होती है? अनस्टेबल होती है। और इसकी एनर्जी क्या होती है? उच्च होती है। कैसी होती है? ये उच्च ऊर्जा की होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रतिकर्षण बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर 60 डिग्री रोटेट करें, कितने डिग्री से? 60 डिग्री रोटेशन करें, कौन से? बैक कार्बन पर। ठीक है, कहाँ पर? बैक कार्बन, ये जो बैक कार्बन है इस पर 60 डिग्री से रोटेशन करें। तो हम जानते हैं ये 120 डिग्री का एंगल है। 60 डिग्री करेंगे तो कहीं यहाँ पर कहीं आएगा, है ना? तो क्या होगा, जैसे ही हम पीछे वाले कार्बन को 60 डिग्री घुमाएंगे तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ये आपकी मर्जी है, कैसे भी घुमाइए। क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं, ये मैथ में आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज वो आपकी मर्जी है। तो क्या होगा, मैं इस तरीके से घुमा रही हूँ क्लॉकवाइज, तो क्या होगा? CH3 दोबारा बना लेती हूँ। ये बैक कार्बन, ये फ्रंट कार्बन। फ्रंट कार्बन पर नो चेंज, कोई रोटेशन नहीं की हमने। पीछे वाले कार्बन को 60 डिग्री घुमा रहे, तो मैं ऐसे घुमा रही हूँ, तो ये वाला CH3 ग्रुप यहाँ आ जाएगा, तो ये आ गया CH3। ठीक है, यहाँ जो हाइड्रोजन था वो यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पर जो हाइड्रोजन था वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाली जो फॉर्म है, ये फॉर्म कौन सी कहलाएगी? ये वाली कहलाएगी स्क्यू और गॉज फॉर्म। कौन सी है? स्क्यू और गॉज फॉर्म कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको स्क्यू और गॉज बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, क्योंकि इथेन और प्रोपेन में क्या हुआ था कि जो प्रोपेन में भी काफ़ी अच्छे से समझ में आ रही थी स्क्यू गॉज, लेकिन एथेन में क्या हुआ था, जैसे हम 60 डिग्री रोटेट करते हैं सारे प्रोटॉन प्रोटॉन ही तो हैं, तो जो बनती है वो स्क्यू और जो बनती है वो स्टेगर्ड बनती है डायरेक्ट, है ना। लेकिन यहाँ पर इस फॉर्म को हमने स्टेगर्ड नहीं कहा है। याद हो तो इथेन में 60 डिग्री रोटेट किया था और स्टेगर्ड बन गई थी, क्योंकि HH के बीच में जो रिपल्शन था वो खत्म हो गया था। लेकिन ये वाली फॉर्म स्टेगर्ड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर HH तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है? CH3 और CH3। और CH3 ग्रुप जो होता है वो बहुत बल्की ग्रुप होता है, बल्की ग्रुप होता है। तो यहाँ पर देखें, दोनों CH3 CH3 आमने सामने थे, और आमने सामने थे तो यहाँ पर जो प्रतिकर्षण था वो ज़्यादा था। प्रतिकर्षण कैसा था? ज़्यादा था। लेकिन अब यहाँ पर CH3 CH3 थोड़े से दूर हो गए, तो प्रतिकर्षण थोड़ा सा कम हो गया है। तो ये वाली जो फॉर्म है स्क्यू और गॉज फॉर्म, इसकी तुलना में तो स्थाई होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा स्थाई नहीं होगी, क्योंकि अभी भी प्रतिकर्षण यहाँ पर हो रहा है। तो इसको स्क्यू और गॉज फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर दोनों CH3 CH3 दूर दूर तो हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, प्रतिकर्षण अभी भी लगेगा, थोड़ा बहुत लगेगा, लेकिन लगेगा ज़रूर। ठीक है, इसको बोलते हैं ब्यूटेन गॉज इंट्रैक्शन। यहाँ पर इनके बीच में जो प्रतिकर्षण लगेगा, इसको बोला जाता है ब्यूटेन गॉज इंट्रैक्शन। बाद में हम देखेंगे, साइक्लो हेक्सेन पढ़ेंगे, वहाँ पर काम आएगा ब्यूटेन गॉज इंट्रैक्शन। ठीक है, क्या होगा, फिर इसको 60 डिग्री रोटेट करें, इसको फिर से 60 डिग्री रोटेट करें, तो ये बनेगी हमारे पास, क्या बनेगी? यहाँ पर है CH3,
यहाँ पर H और यहाँ कौन आ जाएगा CH3, यहाँ आ जाएगा H, इधर आ जाएगा H और H, ठीक है। फिर से क्या बन गई है, एक्लिप्स्ड फॉर्म बन गई। कौन सी बन गई, शुरुआत कहाँ से की थी, एक्लिप्स से की थी। ये कैसी एक्लिप्स्ड है, फुल्ली एक्लिप्स्ड है ना। ये क्या है, स्क्यू और गॉच है। अब ये क्या बन गई, ये फिर से क्या बन गई, एक्लिप्स्ड बन गई। क्या बन गई, एक्लिप्स्ड बन गई। वैसे इसको पार्शियल एक्लिप्स्ड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पार्शियल एक्लिप्स, क्योंकि ये एक्चुअल में एक दूसरे के पास पूरी तरह से नहीं आते, थोड़ा सा दूर दूर रहते हैं, तो इसको पार्शियल एक्लिप्स बोलते हैं। आप क्या बोले, इसको एक्लिप्स्ड बन गई। फिर से क्या बन गई, ग्रसित बन गई। फिर से इसकी एनर्जी हाई हो गई। फिर से हम इसको रोटेट करेंगे 60 डिग्री, ठीक है। तो क्या बनेगा, फाइनली हमको कुछ ऐसा प्राप्त होगा। यहाँ एच है, एच है, यहाँ कौन है, CH3 है। अब CH3 यहाँ पहुँच जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ हो जाएगा, अब एक हाइड्रोजन यहाँ हो जाएगा। अब हम यहाँ पर देखें, CH3 के ट्रांसफर है CH3, CH3 CH3 दोनों अपोजिट है, एक अपसाइड है तो एक डाउन साइड है। तो अब इन दोनों के बीच में किसी भी तरह का प्रतिकर्षण पॉसिबल नहीं है। और हाइड्रोजन हाइड्रोजन भी क्या है, एक दूसरे के ट्रांस है। तो ये वाली जो फॉर्म होती है ये कहलाती है स्टेगर्ड, स्टेगर्ड यानी कि सांत्रित फॉर्म कहलाती है, ठीक है। और ये वाली फॉर्म सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है, क्योंकि यहाँ पर कोई प्रतिकर्षण नहीं है, तो इसकी जो ऊर्जा होगी वो ऊर्जा क्या होगी, निम्नतम होगी, सबसे कम होगी। निम्नतम ऊर्जा की अवस्था होती है ये, ठीक है। और मोस्ट स्टेबल कौन सी होती है, मोस्ट स्टेबल, सबसे ज़्यादा स्थायी अवस्था है, ठीक है। यानी कि जो ब्यूटेन होगा वो मोस्टली किस में रहना पसंद करेगा, स्टेगर्ड फॉर्म में ज़्यादा रहना पसंद करेगा। तो यहाँ पर ब्यूटेन के चार कन्फॉर्मर्स बनते हैं, एक तो एक्लिप्स्ड है, स्क्यू और गॉच होगा, फिर क्या आया, स्टेगर्ड और एक्लिप्स, ठीक है। और एक ये एक्चुअल में ये क्या होती है, पार्शियली एक्लिप्स। इसको ऐसे लिखो, CH3 एच थोड़ा सा दूर, ये वाला एच भी थोड़ा सा दूर, और ये CH3 भी थोड़ा सा दूर। तो ये एक्लिप्स तो है लेकिन पार्शियल एक्लिप्स है। पार्शियल, पार्शियल मतलब थोड़ी सी दूर है, मतलब फुल्ली एक्लिप्स नहीं है। क्या है ये, आंशिक ग्रसित अवस्था है, पार्शियल एक्लिप्स स्टेट है, आंशिक ग्रसित अवस्था। तो इस तरह से ब्यूटेन के कन्फॉर्मर्स बनते हैं और उनका हम कन्फॉर्मेशनल स्टडी करते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो सब इस एनर्जी एनर्जी वाइज अगर हम सेट करें, एनर्जी का ऑर्डर देखें, तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, एक्लिप्स्ड की होगी, ठीक है। सबसे ज़्यादा किसकी होगी, एक्लिप्स्ड की। उसके बाद ये है, आएगा पार्शियल एक्लिप्स, क्योंकि यहाँ पर भी ग्रुप क्या है, पास पास हैं, पास पास हैं तो प्रतिकर्षण होगा। तो ये क्या हो जाती है, पार्शियल एक्लिप्स्ड, ठीक है। इसको पार्शियल एक्लिप्स इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर CH3 CH3 एक दूसरे को ढक रहे थे, एक्लिप्स कर रहे थे, तो ये फुल एक्लिप्स थी। लेकिन यहाँ पर CH3 और H आमने सामने आ रहे हैं, तो ये वाली जो स्टेट होती है इसको पार्शियल एक्लिप्स बोला जाता है। फुल्ली एक्लिप्स नहीं है, फुल्ली एक्लिप्स तब होती है CH3 और CH3 के सामने होता है, तो फुल्ली एक्लिप्स होती। तो अभी ये क्या है, पार्शियल एक्लिप्स है। तो इसके बाद एनर्जी किसकी होगी, पार्शियल एक्लिप्स की। थोड़ा नीचे लिखूँ, अगर एनर्जी की बात करें सबसे ज़्यादा होगी एक्लिप्स्ड अवस्था की, यानी कि ग्रसित अवस्था की। उसके बाद आएगी पार्शियल एक्लिप्स्ड, ठीक है। उसके बाद किस कौन होगी, क्योंकि यहाँ पर प्रतिकर्षण बहुत कम है, इसके बाद आएगी स्क्यू या गॉच फॉर्म, ठीक है। और सबसे स्टेबल कौन होगी, स्टेगर्ड, ठीक है। सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, स्टेगर्ड की होगी, ठीक है। अगर एनर्जी का ऑर्डर ये है तो हम जानते हैं एनर्जी एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है क्या, स्टेबिलिटी के। यानी कि एनर्जी जिसकी ज़्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम, और जिसकी एनर्जी सबसे कम उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा। तो अगर स्टेबिलिटी देखें, अगर हम स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें, तो सबसे ज़्यादा कौन स्टेबल होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा स्टेगर्ड, उसके बाद स्क्यू और गॉच, फिर पार्शियल एक्लिप्स्ड, और फिर आती है हमारी एक्लिप्स। एक्लिप्स जो फॉर्म होगी वो सबसे कम स्टेबल होगी, यानी सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होगी। कम स्टेबल से मतलब क्या है, सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होगी। तो इस तरह से ऑर्डर होता है, और इस तरह से हमने इनका कन्फर्मेशनल स्टडी की है। नोट कीजिए जल्दी से, फिर आगे देखते हैं, ठीक है। नोट कीजिए जल्दी, हो गया नोट, आगे देखते हैं। इसका अगर हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखें, अगर इसका हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखें तो हमको कुछ ऐसा प्राप्त होगा। यहाँ पर हम क्या लेते हैं, ये है एनर्जी, इधर लेते हैं एनर्जी,
और यहाँ पर रोटेशन करेंगे तो कुछ ऐसा प्राप्त होगा। ये कौन सी फॉर्म होगी जहाँ पर सबसे स्टेबल है, सबसे कम एनर्जी है, ये कौन सी होगी? स्टेगर्ड। स्टेगर्ड ठीक है। जो सबसे हाई जाएगी, जो सबसे हाई जाएगी ये कौन सी होगी? एक्लिप्स्ड। कौन सी एक्लिप्स्ड? ये वाली फुली एक्लिप्स्ड, जहाँ पर सी एस थ्री के सामने कौन होगा? सी एस थ्री, एच के सामने एच और एच के सामने एच, ये कौन सी है? फुल्ली एक्लिप्स। सबसे हाई एनर्जी क्या होगी? फुल्ली एक्लिप्स्ड की होगी। ठीक है, फुल्ली एक्लिप्स्ड के बाद कौन बनता है? फुल्ली एक्लिप्स्ड के बाद यहाँ पर हम कह सकते हैं, यहाँ पर कौन होगी? यहाँ पर होगी स्क्यू और गॉच। ठीक है, इससे थोड़ी सी हाई एनर्जी होगी किसकी? थोड़ा नीचे लिखें, इस तरह से आएगी। यहाँ पर कौन आएगी? यहाँ पर आएगी पार्शियल, पार्शियल एक्लिप्स्ड। ठीक है, पार्शियल एक्लिप्स यानी कि इससे तो इससे कम होगी, लेकिन इससे इसकी एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी, है ना। और फिर बिल्कुल डाउन आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगी? वापस से कौन सी आ जाएगी? और फिर से एक्लिप्स आ जाएगी। यहाँ पर कौन आ जाएगी वापस से? स्टेगर्ड। और यहाँ पर फिर से कौन आ गई? एक्लिप्स्ड। ठीक है, एक्लिप्स्ड आ गई। पार्शियल एक्लिप्स्ड कैसा होगा? पार्शियल एक्लिप्स्ड ऐसा होगा। ठीक है, सी एस थ्री के सामने कौन होगा? अब हाइड्रोजन होगा। हाइड्रोजन के सामने कौन होगा? सी एस थ्री, और इस हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन। ये कौन सी अवस्था है? पार्शियल एक्लिप्स। स्क्यू में क्या होगा? स्क्यू में होता है, यहाँ पर सी एस थ्री है, एच है, एच है, तो सी एस थ्री होगा यहाँ पर, एच होगा यहाँ पर, एच होगा यहाँ पर। और स्टेगर्ड में क्या होते हैं? एंटी होते हैं। स्टेगर्ड फॉर्म को क्या बोलते हैं? एंटी भी बोलते हैं। तो सी एस थ्री, सी एस थ्री कहाँ है? अपोजिट है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अपोजिट है। तो ये वाली फॉर्म सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है। तो इसका जो एनर्जी प्रोफाइल बनेगा वो कुछ इस तरीके से प्राप्त होगा आपको। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम साइक्लोहेक्सेन शुरू करते हैं। ठीक है, देखते हैं साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, अब हम देखते हैं लास्ट बचा हुआ है हमारे पास साइक्लोहेक्सेन के संरूपण। संरूपण, साइक्लोहेक्सेन क्या होती है? साइक्लोहेक्सेन इस तरह की रिंग होती है ना, ऐसी बनी हुई देखी होगी आपने। ठीक है, जिसमें 6 कार्बन होते हैं और 12 हाइड्रोजन्स होते हैं, C6H12। इसको क्या बोलते हैं? साइक्लोहेक्सेन रिंग बोलते हैं, है ना। लेकिन साइक्लोहेक्सेन जो है वो कभी भी इस फॉर्म में नहीं पाई जाती है, वो कभी भी इस फॉर्म में नहीं पाई जाती है। नॉर्मली हम लिख तो देते हैं इस फॉर्म में, लेकिन ये कभी भी इस फॉर्म में रहती नहीं है। एक्चुअल में ये ऐसी है ही नहीं। ये हमेशा किस में पाई जाती है? चेयर फॉर्म में पाई जाती है। इस तरह की अवस्था में पाई जाती है, ये हमेशा चेयर फॉर्म में पाई जाती है। तो साइक्लोहेक्सेन को कभी भी हम रिएक्शन कराते हैं तो कभी भी हम इस फॉर्म के अंदर नहीं लिखते। हम हमेशा क्या लिखते हैं? उसकी चेयर फॉर्म बनाते हैं, फिर यहाँ पर रिएक्शन कराते हैं, तब जाके उसको फाइनली कन्वर्ट करते हैं इस रिंग में। ठीक है, तो ये हमेशा चेयर फॉर्म में रहती है। इसकी चेयर फॉर्म जो होती है मोस्ट स्टेबल होती है। मोस्ट स्टेबल मतलब सबसे ज़्यादा स्थायी अवस्था होती है, जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है। यहाँ पर अगर हम देखें तो सारे ही कार्बन कैसे हैं? sp3 संकृत होते हैं, sp3 संकृत होते हैं। और sp3 संकृत होंगे तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? 109 डिग्री 28 मिनट। तो अगर इस फॉर्म में रहेंगे ये जितने भी कार्बन हैं, अगर इस फॉर्म में रहेंगे तो यहाँ पर इनके बीच में जो एंगल स्ट्रेन होता है वो कम होता है, सबसे कम होता है। एंगल स्ट्रेन मतलब 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, लेकिन होगा क्या? इससे थोड़ा सा कम होगा। लेकिन यहाँ पर इस फॉर्म में रखेंगे तो एंगल स्ट्रेन बिल्कुल कम रहता है, यानी कि कह लो बिल्कुल होता ही नहीं है एंगल स्ट्रेन। ठीक है, साथ में हम देखते थे अभी हमने एक्लिप्स्ड और एक्लिप्स्ड फॉर्म में क्या देखा था कि जो एक्लिप्स्ड फॉर्म होती हैं वहाँ पर अगर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन या कोई भी ग्रुप है, ठीक है, ब्यूटेन में देखा था CH3, तो यहाँ पर क्या थे? बॉन्ड एक दूसरे के आमने सामने थे, और आमने सामने रहते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित। और अगर इसका केस देखा जाए साइक्लोहेक्सेन की चेयर फॉर्म का, तो यहाँ पर तो बॉन्ड अपोजिशन स्ट्रेन भी नहीं होता,
इसको बोलते हैं क्या, बॉन्ड अपोजिशन स्ट्रेन, जब एक बॉन्ड दूसरे बॉन्ड को अपोज करता है यानी प्रतिकर्षित करता है। तो यहाँ पर ना तो किसी तरह का एंगल स्ट्रेन होता है, ना ही यहाँ पर किसी तरह का बॉन्ड अपोजिशन स्ट्रेन होता है, या इसको बोलते हैं हम टॉर्शनल स्ट्रेन भी बोलते हैं, टॉर्शनल स्ट्रेन या टॉर्शनल तनाव, दोनों ही नहीं है। इसलिए ये वाली जो फॉर्म होती है मोस्ट स्टेबल होती है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं साइक्लोहेक्सेन की चेयर फॉर्म यानी कुर्सी अवस्था सबसे स्थाई होती है, क्योंकि इस अवस्था में कोई कोणीय तनाव यानी एंगल स्ट्रेन या टॉर्शनल स्ट्रेन, टॉर्शनल स्ट्रेन का मतलब एक बॉन्ड दूसरे बॉन्ड को प्रतिकर्षित करता है, वो तो टॉर्शनल स्ट्रेन नहीं पाया जाता है। और जब दोनों ही एब्सेंट हैं तो ये जो होती है फॉर्म क्या होती है, मोस्ट स्टेबल होती है। क्या होती है? मोस्ट स्टेबल होती है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं अतः साइक्लोहेक्सेन हमेशा किसमें, चेयर फॉर्म में रहता है। अब जो स्टेबल होगी सबसे ज़्यादा स्टेट हमेशा उसी में रहेगा ना, तो चेयर फॉर्म होती है ये, ठीक है। अगर इसकी चेयर फॉर्म की बात करें हम, तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं कि तीन कार्बन तो होते हैं डाउन, ये तीन कार्बन क्या हैं, डाउन, और ये वाले जो तीन कार्बन हैं ये कैसे हैं, अप। अप मतलब ऊपर की तरफ, ये कार्बन भी अप है, ये कार्बन भी क्या है, ऊपर की तरफ, और ये कार्बन भी ऊपर की तरफ है। तो तीन कार्बन अप होते हैं और तीन कार्बन डाउन होते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि कुर्सी अवस्था में तीन कार्बन अप तथा तीन कार्बन क्या होते हैं, डाउन होते हैं। तीन कार्बन तो अप हैं और तीन कार्बन कैसे हैं, डाउन, ठीक है। तो यहां पर तीन कार्बन अप होते हैं और तीन कार्बन डाउन है, दिख रहे होंगे ना, छह कार्बन है टोटल, जिसमें से तीन कार्बन क्या हैं, अप होते हैं और तीन कार्बन जो होते हैं वो डाउन होते हैं, ठीक है। और हर कार्बन पर दो हाइड्रोजन लगे होते हैं, और हाइड्रोजन भी दो तरीके से, एक होते हैं एक्सियल, अगर ये अप कार्बन है तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा एक्सियल और एक क्या होगा, इक्विटोरियल। यहाँ पर दो पोजीशन होती हैं, एक होती है एक्सियल, हाइड्रोजन हटा देते हैं और यहाँ पर लिख देते हो ई, ई का मतलब एक्सियल और ई का मतलब इक्विटोरियल, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्रत्येक कार्बन पर दो हाइड्रोजन लगे होते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन एक्सियल को बोलते हैं अक्षीय तथा इक्विटोरियल, इसको बोलते हैं विषुवत होते हैं। यानी कि यहाँ पर दो पोजीशन होती हैं, एक एक्सियल एक इक्विटोरियल, एक्सियल वाली नीचे की साइड इक्विटोरियल, तो ये होगी एक्सियल, ये होगी इक्विटोरियल, ठीक है। अप कार्बन है तो एक्सियल कहाँ होगी, अप होगी एक्सियल, और डाउन क्या होगी, इक्विटोरियल, ठीक है। ये होगी एक्सियल और ये क्या होगी, इक्विटोरियल। इस कार्बन पर देखें तो एक्सियल कहाँ होगी, डाउन, इक्विटोरियल होगी अप, ठीक है। और इस कार्बन पर देखें तो यहाँ पर एक्सियल होगी अप और इक्विटोरियल क्या होगी, डाउन। तो इस तरह से साइक्लोहेक्सेन होती है। अभी ये कार्बन और बचा हुआ है, यहाँ पर एक्सियल होगी डाउन, एक्सियल कहाँ होगी, नीचे की तरफ, और इक्विटोरियल कहाँ होगी, ऊपर की तरफ। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा एक्सियल कौन सा इक्विटोरियल, यानी कि हाइड्रोजन ऐसे हैं, एक्सियल होगा सीधा अप और इक्विटोरियल होगा इस तरीके से। तो ये एक एक्सियल है और एक इक्विटोरियल, तो इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये दोनों बहुत दूर दूर हैं। एक्सियल होगा बिल्कुल स्ट्रेट,
ठीक है, और इक्वेटोरियल होगा स्लाइड इस तरीके से, तो इन दोनों के बीच में कोई प्रतिकर्षण नहीं लग सकता। आप बोलो इक्वेटोरियल और इक्वेटोरियल के बीच लगेगा, नहीं लगेगा भाई, ये तो ऐसे हैं दोनों, एक इस साइड है या यूं कह लो एक ये इक्वेटोरियल है एक ये इक्वेटोरियल है, ये दोनों एक दूसरे को कभी भी प्रतिकर्षित नहीं करेंगे। यहाँ से समझ लो ये ऐसे हैं, एक इक्वेटोरियल इधर है एक इक्वेटोरियल इधर है, तो ये कभी भी प्रतिकर्षित नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ना तो किसी तरह का प्रतिकर्षण है यानी कि टॉर्सनल स्ट्रेन भी नहीं है, और ना ही किसी तरह का इसमें एंगल स्ट्रेन है, इसलिए ये वाली जो फॉर्म होती है मोस्ट स्टेबल होती है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए एक्सियल कौन सा होगा इक्वेटोरियल कौन सा होगा। जो बॉन्ड सीधे बनेंगे, अगर अप कार्बन है ऊपर वाला कार्बन है तो अप कार्बन पे जो अप बॉन्ड बनेगा ऊपर की तरफ बॉन्ड बनेगा वो होगा एक्सियल, और जो नीचे की तरफ बनेगा वो इक्वेटोरियल। ठीक है, अगर कार्बन डाउन है नीचे वाला है तो नीचे वाले कार्बन पर जो नीचे की तरफ बनेगा वो एक्सियल होगा और जो इस साइड बनेगा वो इक्वेटोरियल। ठीक है, ऐसे ही ये वाला कार्बन, ठीक है, डाउन कार्बन पर डाउन की तरफ होगा एक्सियल और अप की तरफ क्या होगा इक्वेटोरियल। तो ठीक है, तो हम यहाँ कह सकते हैं यहाँ पर कितने एक्सियल और कितने इक्वेटोरियल होते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 6। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 6 हाइड्रोजन एक्सियल यानी कि अक्षीय तथा 6 हाइड्रोजन क्या होते हैं इक्वेटोरियल। यानी कि विषुवत होते हैं। ठीक है, 6 एक्सियल 6 इक्वेटोरियल। अगर इसमें अप देखा जाए और डाउन देखा जाए तो ये कैसा है अप है और ये क्या है डाउन है। ठीक है, ये ऊपर होगा ये डाउन होगा। अगर ये नीचे वाला कार्बन है तो ये नीचे की तरफ है तो ये क्या होगा डाउन, और ये वाला क्या होगा अप। ठीक है, अगर ये कार्बन ऊपर की तरफ है तो ये एक्सियल कहाँ होगा अप होगा, इक्वेटोरियल क्या होगा डाउन। ठीक है, अगर ये कार्बन नीचे की तरफ है झुका हुआ है तो ये होगा डाउन और ये क्या होगा अप। ठीक है, ऐसे ही ये कार्बन ऊपर उठा हुआ है तो ये होगा अप और ये क्या होगा डाउन, और ये कार्बन नीचे झुका हुआ है तो ये होगा डाउन और ये होगा अप। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि अप और डाउन क्या होंगे। अगर कार्बन अप है, अगर कार्बन ऊपर की तरफ उठा हुआ है तो ऐसे जो बॉन्ड लगे होंगे इस तरीके से होगा ना, तो ऐसे जो बॉन्ड लगे होंगे वो एक्सियल और इस तरीके से जो लगे होंगे वो इक्वेटोरियल होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसमें 6 एक्सियल 6 इक्वेटोरियल बॉन्ड होते हैं और इनमें किसी भी तरह का बॉन्ड अपोजिशन स्ट्रेन नहीं पाया जाता है। और अप और डाउन, अप कार्बन पर एक्सियल क्या होता है अप होता है, और डाउन कार्बन पर एक्सियल क्या होगा डाउन होगा। बस इतना याद रखना है कि जो कार्बन ऊपर की तरफ होगा अप होगा, उस पर एक्सियल भी क्या होगा अप ऊपर की तरफ, और डाउन कार्बन होगा उस पर एक्सियल क्या होगा डाउन नीचे की तरफ। ठीक है, तो नोट कीजिए। अब होता क्या है कि ये जो चेयर फॉर्म है ये भी स्टेबल नहीं है, ये डायनेमिक मॉलिक्यूल है। डायनेमिक मतलब हमेशा गतिज अवस्था में रहता है, गतिज अवस्था में मतलब तुरंत के तुरंत अपनी चेयर फॉर्म को चेंज करता रहता है। चेयर फॉर्म को चेंज करता रहता है मतलब अगर ये चेयर फॉर्म ऐसे है, ठीक है, इसी है, तो क्या हो जाएगा रोटेशन करेगा, ये क्या करता रहता है रोटेशन करता रहता है। ठीक है, रोटेशन करेगा तो ये चेयर फॉर्म जो इस तरीके से बनी है अब वो चेंज हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। इस तरीके से ठीक है, तो यहां पर क्या होता है एक चेयर फॉर्म दूसरी चेयर फॉर्म में चेंज होने लगती है। मतलब यहां पर क्या हो रहा है जो अप था वो डाउन आ गया। ये वाला कार्बन को मैं अगर ऐसे लिखूं अप नंबर डाल दूं 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठीक है, 1 वाला कार्बन कैसा है अप है, 2 वाला कार्बन क्या है डाउन है ना, 3 वाला कार्बन अप है, 4 कार्बन डाउन है, 5 वाला कार्बन अप है, 6 वाला कार्बन डाउन है। तो होगा क्या, जैसे ही ये रिंग मुड़ेगी चेंज होगी ट्विस्ट होगी, ठीक है, ट्विस्ट होना शुरू होगी, और ट्विस्ट होना शुरू होगी तो ऐसे घूमेगी। ठीक है, ऊपर वाला जो कार्बन है नीचे जाता जाएगा और नीचे वाला जो कार्बन है वो कहाँ जाएगा अप। तो ये जो कार्बन नंबर 1 था ये 2 था ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6, यहाँ पर एक कार्बन नंबर 1 कैसा था अप और यहाँ क्या हो गया है डाउन। ठीक है, 2 कैसा था डाउन, तो डाउन का क्या हो गया है अप। ठीक है, और 3 क्या था अप था, अब ये क्या हो गया है डाउन हो गया है। 4 क्या था डाउन, अब ये क्या हो गया है अप। 5 अप था तो ये डाउन हो गया, और जो डाउन था वो अप हो गया है। इसका मतलब क्या होता है जो रिंग ये चेयर फॉर्म जो है ये भी अपने आप में ट्विस्ट होती रहती है, यानी कि अप वाले कार्बन डाउन चले जाते हैं और डाउन वाले कार्बन अप आ जाते हैं, तो उल्टा हो जाता है। ठीक है,
तो जब ये प्रोसेस हो रहा होता है, यानी कि जब एक चेयर फॉर्म दूसरी चेयर फॉर्म में चेंज हो रही होती है, जब एक चेयर फॉर्म दूसरी चेयर फॉर्म में चेंज हो रही होती है, तो जो साइक्लोहेक्सेन है वो अलग अलग तरह के संरूपण बनाता है, ठीक है। कब बनाता है? जब एक चेयर फॉर्म दूसरी चेयर फॉर्म में चेंज होती है तो साइक्लोहेक्सेन अलग अलग तरह के संरूपण बनाता है, और वही संरूपण आपने सुना होगा चेयर फॉर्म, हाफ चेयर, बोट फॉर्म, ठीक है, ट्विस्ट बोट फॉर्म, इस तरह की अवस्थाएं बनाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि जब एक चेयर फॉर्म दूसरी चेयर फॉर्म में परिवर्तित होती है तो इस दौरान साइक्लोहेक्सेन के कई संरूपण प्राप्त होते हैं, ठीक है। यानी कि जब एक चेयर फॉर्म दूसरी चेयर फॉर्म में चेंज होगी तो हमें इसके अलग अलग तरह के संरूपण प्राप्त होंगे। यहाँ पर क्या हुआ था? अप कार्बन डाउन चला गया, डाउन कार्बन अप चला गया, ठीक है। और एक और चीज़ याद रखिएगा, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, अप और डाउन तो समझ गए, यहाँ पर एक्सियल होगा, ये इक्विटोरियल होगा, ये क्या होगा? एक्सियल और ये इक्विटोरियल, ठीक है, ये एक्सियल होगा, ये इक्विटोरियल, एक्सियल इक्विटोरियल, एक्सियल इक्विटोरियल, एक्सियल इक्विटोरियल, ठीक है, एक्सियल होगा ये और ये होगा इक्विटोरियल। तो जब कार्बन अप कार्बन डाउन होता है तो यहाँ पर एक्सियल कैसा था? अप था, है ना, एक्सियल कैसा था? अप। ये चेंज नहीं होगा, अभी भी एक्सियल क्या रहेगा? अप ही रहेगा, सॉरी, यहां पर एक्सियल कैसा है? अप है, और इक्विटोरियल क्या है? डाउन है। जब ये कार्बन नीचे जाएगा, ठीक है, जब ये कार्बन नीचे जाएगा तो एक्सियल जो है वो कहां आ जाएगा? डाउन हो जाएगा, और इक्विटोरियल क्या हो जाएगा? अप हो जाएगा, ठीक है, इक्विटोरियल क्या हो जाएगा? अप हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से चेंज होता है, याद रखिएगा, ठीक है। एक चेयर फॉर्म जब दूसरे चेयर फॉर्म में चेंज होती है तो अप कार्बन डाउन हो जाता है, डाउन कार्बन अप हो जाता है, मतलब चेंज करती रहती है अपनी कन्फॉर्मेशन को, जो पहले डाउन था फिर वो अप चला जाता है, जो अप था वो डाउन चला जाता है, ठीक है। नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं, इसके संरूपण देखते हैं। समझ में आया क्या हुआ यहाँ पर? जो एक्सियल था यहाँ पर, ऐसे समझिए आप, ये है अप कार्बन, ठीक है, ये कार्बन है, मेरा जो हाथ है वो कार्बन है, ठीक है, ये एक्सियल है और ये इक्विटोरियल है, ये मेरा जो हाथ है ये कार्बन है, अप कार्बन है, ऐसे है अप कार्बन, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन की बात कर रहे हैं। ये हाइड्रोजन एक्सियल है, ये वाला क्या है? इक्विटोरियल, ये इक्विटोरियल, ये एक्सियल है, ठीक है। अब ये कार्बन क्या करेगा? धीरे 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 धीरे, याद रखिएगा, ये एक्सियल है, ये इक्विटोरियल, गौर कीजिएगा इस पर, ठीक है, ये एक्सियल, ये इक्विटोरियल, जो समझाना चाह रही हूँ तभी समझ में आएगा। मेरा हाथ क्या है? कार्बन, ठीक है। अब ये अप कार्बन है, कैसा है? अप कार्बन। अब ये क्या कर रहा है? डाउन जा रहा है। अप कार्बन क्या कर रहा है? डाउन जा रहा है, डाउन जा रहा है, डाउन जा रहा है, ठीक है। या फिर आपको ऐसे दिखाऊं, इसको मैं ऐसे रखूं, अब याद रखिए, ठीक है, ऐसे दो अलग अलग हो गए ना, एक्सियल वाले में ये कैप ऊपर है, ठीक है, और इक्विटोरियल वाले में कैप नहीं है, ये डॉट है, ठीक है। जब ये डाउन जाएंगे, गौर से देखिएगा, अब ये कार्बन क्या हो गया? डाउन हो गया। कार्बन क्या हो गया? डाउन हो गया। जो पहले एक्सियल था, ये पहले क्या था? एक्सियल था। अब ये क्या हो गया? इक्विटोरियल। और जो इक्विटोरियल था वो क्या हो गया? एक्सियल। समझ में आया? जो पहले, ये पहले क्या था? एक्सियल था और अप था, अब ये किसमें चेंज हो गया? इक्विटोरियल, लेकिन अभी भी क्या है? अप है, अप है ना, डाउन कार्बन नीचे आ गया, डाउन कार्बन नीचे वाले कार्बन पर आ गए, और जो इक्विटोरियल डाउन था अब वो किसमें चेंज हो गया? एक्सियल में चेंज हो गया, वो भी कैसा? डाउन, ठीक है। तो इसका मतलब कि जब ऊपर वाला कार्बन नीचे जाता है तो उस पर जो एक्सियल ग्रुप लगा होता है वो एक्सियल हाइड्रोजन किसमें चेंज हो जाता है? इक्विटोरियल में, और इक्विटोरियल हाइड्रोजन किसमें चेंज हो जाता है? एक्सियल में। अगर एक्सियल अप था तो इक्विटोरियल में जो चेंज होगा ये भी क्या रहेगा? अप ही रहेगा। ये इस तरीके से अप था ना, अब था, अब जब कार्बन अब था तो ये भी अब था, एक्सियल बॉन्ड, ठीक है। लेकिन जब ये इक्विटोरियल में चेंज हुआ, कार्बन नीचे गया,
तो क्या हो गया, अभी डाउन, अभी क्या हो गया, इक्वेटोरियल में चेंज हो गया। इक्वेटोरियल में तो चेंज हुआ लेकिन अभी भी कैसा है, अप है, है ना। इसका मतलब जो अप एक्सियल था वो अब क्या बन गया, अप इक्वेटोरियल, और जो डाउन इक्वेटोरियल था अब वो क्या बन गया, डाउन एक्सियल। ठीक है, समझ में आया। तो क्या होता है, एक्सियल इक्वेटोरियल में चेंज हो जाता है, इक्वेटोरियल एक्सियल में चेंज हो जाता है। लेकिन अगर एक्सियल अप था तो जब वो इक्वेटोरियल में बनेगा वो भी अप ही बनेगा, अगर इक्वेटोरियल डाउन था जब ये एक्सियल बनेगा तो ये भी क्या बनेगा, डाउन बनेगा। ठीक है, इस तरीके से होते हैं। तो अब हम देखते हैं, मिटाते हैं इसको, आगे चलते हैं। ठीक है, तो जब रिंग फ्लिपिंग होती है, इसको बोलते हैं रिंग फ्लिपिंग। क्या बोलते हैं, रिंग फ्लिपिंग। जब एक साइक्लोहेक्सेन दूसरे साइक्लोहेक्सेन में चेंज होती है तो इसको क्या बोलते हैं, रिंग फ्लिपिंग बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जब इस तरह की साइक्लोहेक्सेन ऐसे चेंज होती है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिंग फ्लिपिंग। क्या बोलते हैं, फ्लिपिंग। यहाँ पर रोटेशन नहीं हो रही, याद रखिएगा, रोटेशन नहीं होती, फ्लिपिंग होती है, फ्लिप होती है, रिंग अप डाउन में फ्लिप हो जाता है ना, ये होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, रिंग फ्लिपिंग, वलय का फ्लिपिंग हो रही है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, रिंग फ्लिपिंग। तो जब रिंग फ्लिपिंग हो रही होती है, ठीक है, तो क्या होता है, अलग अलग तरह के कन्फर्मेशन बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं, ए लिख सकते हैं रिंग फ्लिपिंग के दौरान, दौरान साइक्लोहेक्सेन के, हेक्सेन की या साइक्लोहेक्सेन की नौका यानी कि बोट फॉर्म, ठीक है, ट्विस्ट बोट फॉर्म और हाफ चेयर फॉर्म बनती हैं। ठीक है, हाफ चेयर फॉर्म बनती हैं। ठीक है, यानी कि साइक्लोहेक्सेन की कई सारे संरूपण हैं, एक तो कुर्सी चेयर है, तो साइक्लोहेक्सेन के संरूपण कौन कौन से हैं, एक तो है चेयर, कौन कौन सा है, चेयर है, कुर्सी, ठीक है, एक क्या होता है, एक है बोट, जिसको बोलते हैं हम नौका संरूपण, नौका संरूपण होता है, एक है ट्विस्ट बोट, ट्विस्ट बोट का मतलब मुड़ी हुई नौका, ट्विस्टेड, ठीक है, एक होती है ट्विस्ट बोट, इसको बोलते हैं व्यावर्त नौका, व्यावर्त नौका। अब आपको कौन सा याद करना है वो आप याद कीजिए, मतलब ट्विस्ट और बोट इंग्लिश में कंफर्टेबल हो, आप हिंदी में कंफर्टेबल हो तो हिंदी में याद कीजिए। एक इसका संरूपण होता है कुर्सी, एक होता है नौका, एक होता है व्यावर्त नौका और एक होता है हाफ चेयर। कौन सा, हाफ चेयर यानी कि अर्ध कुर्सी अवस्था, अर्ध कुर्सी फॉर्म। तो ये कंफर्मेशन बनते हैं। ठीक है, तो हम यहां लिख सकते हैं कि रिंग फ्लिपिंग के दौरान साइक्लोहेक्सेन की नौका, ट्विस्ट बोट, हाफ चेयर फॉर्म या कह ले संरूपण बनते हैं, हाफ चेयर फॉर्म संरूपण प्राप्त होते हैं। ठीक है, इतने सारे बनते हैं, चेयर बनेगी, नौका बनेगी, व्यावर्त नौका बनेगी, अर्ध कुर्सी अवस्था बनेगी। ठीक है, तो चेयर फॉर्म क्या होती है, चेयर फॉर्म क्या होती है, चेयर फॉर्म ऐसी होगी, हम चेयर फॉर्म तो हम देख चुके हैं, ये है चेयर फॉर्म। ठीक है, बोट फॉर्म क्या होती है, ये क्या है इसकी, बोट फॉर्म। ठीक है, यहां पर एक हाइड्रोजन होगा, यहां एक हाइड्रोजन होगा और एक यहां हाइड्रोजन होगा। ठीक है, ऐसे ही तो क्या होगा, जब बोट फॉर्म बनती है तो ये जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन है ये क्या आ जाते हैं, एक दूसरे के प्रॉक्सिमिटी में आ जाते हैं, प्रॉक्सिमिटी का मतलब एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं, क्लोज आ जाते हैं, तो इनके अंदर प्रतिकर्षण जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसका मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल तो चेयर होती है, इसमें प्रतिकर्षण है ही नहीं, लेकिन जैसे ही ये बोट में जाती है इसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में क्या हो जाता है, प्रतिकर्षण लगने लग जाता है, और इस प्रतिकर्षण की वजह से ये क्या हो जाती है, अनस्टेबल हो जाती है। और अगर देखें तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर ना चार कार्बन डाउन है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर चार कार्बन क्या है, डाउन है। ठीक है, चार कार्बन डाउन है
और चार कार्बन डाउन होने की वजह से ये जो हाइड्रोजन है ये एक दूसरे को एक्लिप्स करते हैं, और एक्लिप्स करेंगे तो यहाँ पर प्रतिकर्षण बहुत ज्यादा होगा, इसलिए ये जो बोट फॉर्म है ये क्या हो जाती है, अनस्टेबल हो जाती है, अस्थायी होती है। ठीक है, अगर पहले क्या होगा, चेयर फॉर्म, चेयर फॉर्म से क्या बनेगी, बोट बनेगी, लेकिन पहले ट्विस्ट बोट बनती है। ठीक है, चेयर है, चेयर से क्या बनेगी, पहले हाफ चेयर बनेगी, हाफ चेयर किसमें बनेगी, ट्विस्ट बोट में, और ट्विस्ट बोट से कौन बनेगी, बोट फॉर्म, तो बोट फॉर्म तो ये होती है। ठीक है, ट्विस्ट बोट देखें, अगर ट्विस्ट बोट देखें तो ट्विस्ट बोट ऐसी होती है, ट्विस्ट बोट देखें तो ट्विस्ट बोट कुछ ऐसी होती है, ठीक है, ये तीन कार्बन है, ठीक है, और ये तीन कार्बन है, तीन कार्बन, ठीक है, इस तरह की होती है ये, कौन सी है, ट्विस्ट बोट फॉर्म, कौन सी है, ट्विस्ट बोट फॉर्म है, ट्विस्ट बोट फॉर्म है। जब ये बोट फॉर्म में था तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक दूसरे को क्या कर रहे थे, एक्लिप्स कर रहे थे, और ये दोनों हाइड्रोजन तो एक दूसरे के आमने सामने थे, प्रतिकर्षण हो रहा था, और ये हाइड्रोजन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक्लिप्स कर रहे हैं, एक्लिप्स मतलब ये वाला हाइड्रोजन ये वाले हाइड्रोजन को एक्लिप्स कर रहा होगा, तो यहाँ पर प्रतिकर्षण बहुत ज्यादा होगा। लेकिन जब ये ट्विस्ट बोट में पहुंचेगा, जब ये ट्विस्ट बोट में पहुंचेगा तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, एंगल स्ट्रेन तो बढ़ जाता है, यानी बॉन्ड एंगल तो चेंज होता है, एंगल स्ट्रेन तो बढ़ जाता है, लेकिन जो बॉन्ड अपोजिशन स्ट्रेन है, यानी टॉर्सनल स्ट्रेन जो था, यानी बॉन्ड एक दूसरे को जो प्रतिकर्षित कर रहे थे, वो यहाँ पर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, वो यहाँ पर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो ये अनस्टेबल होती है, और इसकी तुलना में ये क्या होती है, ये होती है स्टेबल। हालांकि चेयर फॉर्म जितनी स्टेबल नहीं है, सिर्फ इससे के तुलना में स्टेबल होती है। ठीक है, लेकिन अभी हम तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर बाद में सेट करेंगे, पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से संरूपण बनते हैं। तो एक तो ये बोट फॉर्म, ये कौन सी है, ये तो है बोट, ये कौन सा है, ट्विस्ट बोट। एक और बनती है जो कि क्या है, हाफ चेयर, क्या है, हाफ चेयर। अब हाफ चेयर कैसी होती है, हाफ चेयर कुछ ऐसी होती है, ये क्या है, हाफ चेयर, कौन सी है, हाफ चेयर, और ये जो होती है मोस्ट अनस्टेबल होती है, कौन सी होती है, मोस्ट अनस्टेबल, यानी कि सबसे सबसे अस्थायी होती है, ये क्या है, सबसे ज्यादा अस्थायी। तो इस तरह के इसके कंफर्मेशन बनते हैं। ठीक है, कितने कार्बन हो गए, एक दो तीन चार पांच और एक छह, तो ये होगी हाफ चेयर। तो ये है साइक्लोहेक्सेन के संरूपण, एक होता है चेयर फॉर्म जो कि सबसे ज्यादा स्थायी होती है, उसके बाद बोट फॉर्म, ट्विस्ट बोट फॉर्म, और हाफ चेयर। हाफ चेयर क्या होती है, सबसे ज्यादा अस्थायी। तो अगर हम एनर्जी की बात करें, अगर हम यहाँ पर क्या लिखें, एनर्जी का ऑर्डर लिखें, ऊर्जा क्रम लिखें, किसकी ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी, तो सबसे ज्यादा होती है किसकी, हाफ चेयर की, सबसे ज्यादा ऊर्जा किसकी होती है, हाफ चेयर की होती है। उससे कम किसकी होती है, उससे कम होती है बोट की। ठीक है, उससे कम किसकी होती है, उससे कम होती है ट्विस्ट बोट की। ठीक है, और सबसे कम किसकी होती है एनर्जी, चेयर फॉर्म की। ठीक है, तो ऊर्जा का क्रम तो ये रहेगा, ऊर्जा का क्रम ये रहता है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी का, स्थायित्व का क्रम क्या हो जाएगा, अगर ऊर्जा का क्रम ये है तो स्थायित्व का क्रम क्या हो जाएगा, स्थायित्व का क्रम हो जाएगा उल्टा, क्योंकि ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, स्थायित्व के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो स्थायित्व का क्रम क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा स्थायी कौन होगी, सबसे ज्यादा स्थायी होगी चेयर, उसके बाद कौन, ट्विस्ट बोट। ठीक है, उसके बाद कौन, बोट, और सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन होती है, सबसे ज्यादा अनस्टेबल होती है हाफ चेयर। ठीक है, तो ये है साइक्लोहेक्सेन के संरूपण जो बनते हैं, नोट कीजिए, फिर इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखते हैं। कीजिए जल्दी से नोट। ठीक है, चाहे तो हम यहां पर लिख भी सकते हैं कि व्यावर्त नौका, नौका संरूपण से अधिक स्थायी होती है, अधिक स्थायी होती है क्योंकि
होती है क्योंकि क्योंकि व्यावर्त होने से क्योंकि व्यावर्त होने से क्या बॉन्ड अपोजिशन स्ट्रेन, यानी कि जो बॉन्ड एक दूसरे को अपोज कर रहे थे यानी कि टॉर्शनल स्ट्रेन है वो कम हो जाता है। मैं लिख सकती हूँ बॉन्ड अपोजिशन स्ट्रेन, यानी कि जो बॉन्ड एक दूसरे को अपोज कर रहे थे वो कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है, इसलिए ट्विस्ट बोट बोट फॉर्म से ज्यादा स्टेबल होती है। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए। ठीक है, चलते हैं आगे। ठीक है, तो अगर आप इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखें, क्या देखें? एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखें तो कुछ ऐसा बनेगा ना, यहां से शुरू होगा, यहां पर क्या होती है, यहां पर ली जाती है एनर्जी, एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में, तो ये कुछ ऐसा होगा। ठीक है, यहां पर कौन सी अवस्था होगी? चेयर, चेयर से फिर एनर्जी एकदम बढ़ जाएगी, यहां पर कौन होगी? हाफ चेयर। कौन होगी? हाफ चेयर। हाफ चेयर में क्या होता है? बहुत ज्यादा बॉन्ड अपोजिशन स्ट्रेन और बहुत ज्यादा एंगल स्ट्रेन होता है। हाफ चेयर में क्या हो जाता है? बॉन्ड अपोजिशन स्ट्रेन, यानी बॉन्ड एक दूसरे को अपोज करने लगते हैं। ठीक है, और एंगल स्ट्रेन, एंगल भी कम हो जाता है, तो दोनों ही बहुत बढ़ जाते हैं, इसलिए इसकी एनर्जी क्या होती है? बढ़ जाती है। फिर ये किस में जाता है? ट्विस्ट बोट में। यहां पर कौन सी आएगी? ट्विस्ट बोट आएगी। फिर ये किस में जाता है? बोट में। तो बोट, क्योंकि हाफ चेयर की एनर्जी सबसे ज्यादा, उससे कम होती है बोट, फिर ट्विस्ट बोट। ठीक है, फिर से क्या आएगी? ट्विस्ट बोट आएगी। ये ट्विस्ट बोट का ऑर्डर है, तो यहां पर फिर से क्या आ जाएगी? ट्विस्ट बोट आ जाएगी। फिर कौन आएगी? फिर बोट आएगी। फिर ये नीचे आ जाएगा, यहां पर कौन आ जाएगी? चेयर। और फिर ये ऊपर चला जाएगा, यहां पर कौन आ जाएगी? हाफ चेयर। ठीक है, तो इस तरह से इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम प्राप्त होता है। यहां पर कौन सी है? चेयर फॉर्म होगी ये वाली, स्टेबल। हाफ चेयर कौन सी होती है? ये होती है हाफ चेयर, छह कार्बन है। ट्विस्ट बोट कौन सी होती है? ये कौन सी होती है? ट्विस्ट बोट। ठीक है, बोट कौन सी होती है? ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की वजह से ये बहुत ज्यादा प्रतिकर्षण में रहती है, इसलिए इसकी एनर्जी ट्विस्ट बोट से ज्यादा होती है। फिर यहां पर ट्विस्ट बोट चेयर फॉर्म, तो ये सारी साइक्लोहेक्सेन के संरूपण होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से साइक्लोहेक्सेन के संरूपण भी हमारे खत्म होते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें इनको अलग करना तो इनको अलग नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो चेंजिंग होती है बहुत फास्ट होती है, बहुत फास्ट होती है। मतलब अगर आप रूम टेम्परेचर पर ये चेंज, आपको अलग अलग कन्फॉर्मेशन अलग करना चाहें, ये संरूपणों को अलग करना चाहें, तो आप कर नहीं सकते, क्योंकि ये जो चेंजिंग होती है बहुत फास्ट होती है। जब तक आप अलग करने जाएंगे तब तक वो दूसरे में चेंज हो चुका होगा, तो ये इनको अलग नहीं किया जा सकता रूम टेम्परेचर। अगर हम रूम टेम्परेचर पर अलग करने की कोशिश कर रहे हैं तो नहीं किया जा सकता। हालांकि अगर हम टेम्परेचर माइनस में ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल फ्रीज हो जाएगा, यानी कि रोटेशन बहुत स्लो हो जाएंगे। जब रोटेशन स्लो हो जाएंगी, ये फ्लिपिंग, सॉरी रोटेशन नहीं होती, ये क्या होती है? फ्लिपिंग। तो फ्लिपिंग बहुत स्लो हो जाती है, धीरे हो जाती है, और जब फ्लिपिंग स्लो हो जाएगी तो हम संरूपणों को अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन रूम टेम्परेचर पर फ्लिपिंग जो होती है बहुत फास्ट होती है, तो इनको अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, नोट कीजिए, चलते हैं आगे। ठीक है, इसके अलावा आपके संरूप, आपके जो वो हैं एक्सलेवस है, उसमें एक फॉर्म और बची है, क्या बचा हुआ है? एकल प्रतिस्थापी साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, एकल प्रतिस्थापी साइक्लोहेक्सेन मतलब मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। अभी जो हमने पढ़ी थी वो इस तरह से थी, साइक्लोहेक्सेन थी। ठीक है, अब मोनो सब्स्टिट्यूटेड मतलब कोई एक ग्रुप लगा दे इस पर। ठीक है, एक हाइड्रोजन को हटाकर क्या लगा दे? कोई एक ग्रुप लगा दे। मान लो हमने क्या लगा दिया? CH3।
तो यहाँ पर कौन कौन से इसके कन्फॉर्मर्स बनेंगे, ए और है आपके सिलेबस में, वैसे तो होते तो मोनो भी हैं, डाई भी हैं, ठीक है, मोनो सब्सटीट्यूटेड भी होते हैं, डाई सब्सटीट्यूटेड भी होते हैं, और ये अप अप भी होते हैं, डाउन डाउन भी होते हैं, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन में याद रखिएगा कि अप और अप क्या होते हैं, सिस होते हैं, ठीक है, डाउन डाउन क्या होते हैं, सिस होते हैं, अप डाउन और डाउन अप ये क्या होते हैं, ट्रांस होते हैं, मतलब ये अप है, ये अप है, तो ये क्या कहलाएगा, सिस, ठीक है। एक कैसा हो, एक अप है एक डाउन है, तो ये क्या कहलाएगा, ट्रांस। लेकिन ये भी आपके काम के नहीं है, क्योंकि आप अभी केवल आपके सिलेबस में कौन है, केवल मोनो प्रतिस्थापी साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है। अगर आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप मोनो प्रतिस्थापी के अलावा डाई प्रतिस्थापी साइक्लोहेक्सेन भी पढ़ेंगे, वहां पर हम देखेंगे सिस है कि ट्रांस है, सिस ट्रांस का अलग अलग से पढ़ेंगे कि डाई प्रतिस्थापी है लेकिन सिस और सिस के लिए बनाओ नहीं तो ट्रांस के लिए बनाओ, वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, ये तब के लिए है, ठीक है। आपके सिलेबस में तो अभी केवल मोनो प्रतिस्थापी है। अब ये अप भी हो सकता है और ये डाउन भी हो सकता है। स्टीरियो केमिस्ट्री तो नहीं थी ना अभी, अगर मैं ऐसे लिखूं CH3 तो ये अप भी हो सकता है डाउन भी हो सकता है, स्टीरियो केमिस्ट्री तो नहीं है, ठीक है। तो अभी स्टीरियो केमिस्ट्री गिवन नहीं है, ये अप होगा या डाउन, यानी हम कैसे भी अपनी मर्जी से लगा सकते हैं, इसको अप भी लगा सकते हैं डाउन भी लगा सकते हैं, हम दोनों बनाकर देखेंगे। इसका मतलब इसके दो संरूपण बनेंगे, एक में CH3 अप होगा और दूसरे में CH3 क्या होगा, डाउन। हम ये लिख सकते हैं कि मोनो प्रतिस्थापी साइक्लोहेक्सेन के दो संरूपण बनते हैं, ठीक है। कौन से दो संरूपण बनेंगे, एक तो ये होगा, यहां पर मैंने अप लगा दिया CH3, ठीक है, बाकी को एज इट इज रख दूं H, अच्छा। जब वो बच्चे ये बनाते हैं ना तो एक चीज का ध्यान रखिएगा कि ये ना कुछ ऐसे बनता है, ये W में होनी चाहिए शेप, क्या होनी चाहिए, W, ये कुछ W जैसा दिख रहा है ना, ये मैंने डार्क कर दिया है, ये कैसी होनी चाहिए, W। तो ये हाइड्रोजन का खास तौर से ध्यान रखना होता है हमको, क्योंकि बहुत से बच्चे गलती कर जाते हैं इसमें, ठीक है। तो हाइड्रोजन लगाते हुए खास तरह से ध्यान रखिएगा, ये वाला जो कार्बन है इस पर क्या बननी चाहिए, डब्ल्यू की शेप, और इस पर हाइड्रोजन जो लगाने हैं वो आपको ऐसे लगाने हैं, इक्विटोरियल। एक्सियल तो अपने सीधे सीधे ही लगते हैं, बस इक्विटोरियल में वो होता है ना, तो ये क्या होना चाहिए, एम। तो यहाँ पर जब इक्विटोरियल हाइड्रोजन लगाओ तो आपको एम मिलना चाहिए, और यहाँ पर जब लगाओ तो क्या मिलना चाहिए, डब्ल्यू। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, यानी कि ऐसे मत लगा दीजिए, कहने का मतलब ये है कि आप ऐसे मत लगा दीजिएगा, ये तो एक्सियल है, आपने एच को इधर लगा दिया, ठीक है, ये ऐसा है, एच को इधर लगा दिया, ये एच इधर है, ये एच को इधर लगा दिया, और ये एच एच, ठीक है, ये एच और ये एच, ठीक है, बाकी का तो एज इट इज है। तो अब ये क्या है, ये गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर W तो बन ही नहीं रही, ठीक है, W तो बन ही नहीं रही, W कब बनती, ये वाला हाइड्रोजन आप ऐसे नहीं लगा सकते, W कब बनेगी, जब ये हाइड्रोजन क्या होगा, ऐसे होगा, है ना, तभी तो बनेगी W, तभी तो बनेगी W, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐसे लगा दूंगी तो ये कन्फर्मेशन क्या हो जाएगी, गलत। M, M देखूं तो यहाँ पर M तो बनी ही नहीं रही है, ये तो ऐसे हो गया, ये M का, ये M तो है ही नहीं, M कब बनेगी, जब ये हाइड्रोजन क्या होगा, ऐसे, अगर मैंने ऐसे लगा दिया तो ये क्या हो जाएगी, गलत। तो आपको ये कन्फर्मेशन का ध्यान रखना है, हाइड्रोजन को ढंग से प्लेस करना है, ठीक है, इस चीज का आप बेटा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये है, तो इसकी दो फॉर्म बनेगी, एक तो ये, दूसरा क्या होगा, यहाँ पर रिंग फ्लिपिंग होगी, क्या होगा, रिंग फ्लिपिंग होगी, रिंग फ्लिपिंग होगी, तो क्या होगा, अभी जस्ट मैंने बताया अप वाला कार्बन क्या जाएगा, डाउन जाएगा, और डाउन वाला क्या आएगा, अप आएगा, ठीक है, ये हुई रिंग फ्लिपिंग। अभी अभी जस्ट मैंने बताया, एक और मार्कर, अभी अभी जस्ट मैंने बताया ये ऐसे था, ठीक है, ये ऐसे मान लो ये CH3 है, ठीक है, अब कार्बन पे लगा हुआ था, CH3 को मैंने कहाँ लगाया था, अब ऐसा है, ये लिया है मैंने, ठीक है, CH3 कहाँ है, अब है, हाइड्रोजन कहाँ है, इक्वेटोरियल, लेकिन ये कार्बन जैसे ही डाउन जाएगा, डाउन जाएगा, डाउन जाएगा, ठीक है, डाउन आ गया, डाउन आ गया, तो CH3 कहाँ आ गया, इक्वेटोरियल पर, CH3 कहाँ आ गया, इक्वेटोरियल पर, यानी जैसे ही ये कार्बन यहाँ आएगा तो CH3 कहाँ जाएगा, इक्वेटोरियल पर, ठीक है, CH3 कहाँ जाएगा, इक्वेटोरियल पर, और ये हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, ये हाइड्रोजन चला जाएगा एक्सियल पर, ठीक है। यहाँ पर CH3 कैसा था, अप था, यहाँ पर भी CH3 कैसा है, अप है,
तो ये कंफर्मेशन बहुत फास्ट होगा। अब याद देखिएगा, यहाँ पर मैंने तीर का निशान लगाया है, ये इसमें तो चेंज होगा लेकिन ये वापस इसमें चेंज बहुत कम होगा। क्यों होगा? क्योंकि चेंज उसी में होगा जो स्टेबल होगी, है ना, और स्थाई भी उसी अवस्था में होगा जो स्टेबल होगी। इसका मतलब ये वाली जो फॉर्म है ये स्थाई है। ये कैसी है? स्थाई है, इसलिए इसमें परिवर्तन क्या हो रहा है? ज्यादा। और ये वाली फॉर्म कैसी है? अस्थाई है, ठीक है, इसमें परिवर्तन क्या हो रहा है? कम। अब ये अस्थाई क्यों है देख लेते हैं भाई, अस्थाई क्यों है। मैं बाकियों को हटा दूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। बाकी हाइड्रोजन को हटा दिया है, केवल इन दोनों पे ध्यान दो। अब एक हाइड्रोजन यहां लगा हुआ है एक्सियल पे, ठीक है, एक हाइड्रोजन यहां लगा हुआ है एक्सियल पे, ठीक है। ये कार्बन कैसा है? अप कार्बन है। कैसा है? अप कार्बन। इसी कार्बन के सामने दो और कार्बन होंगे, ये दोनों कार्बन भी कैसे हैं? अप। ये कार्बन ऊपर की तरफ है तो ये दोनों कार्बन भी तो क्या है? ऊपर की तरफ है ना। तो अगर इस पर CH3 अप लगा हुआ है तो इन पर भी HH क्या लगे हुए हैं? अप लगे हुए ना। ये ऐसा है, ये भी अप लगा हुआ है, ये कार्बन भी अप है, एक लेवल पर होंगे। ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, और यहाँ कौन है? CH3। तो होगा क्या? हाइड्रोजन और CH3 के बीच में, हाइड्रोजन और CH3 के बीच में इंटरेक्शन होगी, प्रतिकर्षण होगा। ये हाइड्रोजन क्या करेगा? इन तीनों के बीच में इंटरेक्शन होगी, इन तीनों के बीच में इंटरेक्शन होगी, अंतर्क्रिया होगी, यानी कि CH3 जो अप है ये प्रतिकर्षित होगा। CH3 जो अप है प्रतिकर्षित होगा किससे? एक तो इस वाले हाइड्रोजन से और एक इस वाले हाइड्रोजन से। तो इसको बोलते हैं 1-3 इंटरेक्शन। 1-3 क्यों? क्योंकि CH3 कौन सी पोजिशन पर लगा? 1, ये 2, ये 3। तो यहाँ पर क्या होता है? 1-3 हाइड्रोजन का इंटरेक्शन होता है। ये हाइड्रोजन दोनों इसको प्रतिकर्षित करेंगे, और प्रतिकर्षित करेंगे तो ये वाली जो फॉर्म है इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, यानी कि ये कैसा हो जाएगा? अस्थाई हो जाएगा। जबकि यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखें, ये H है, ये H है, ठीक है। अब आप कहो यहाँ पर प्रतिकर्षण देखो, तो आप ये कह सकते हो ना कि इस वाले H से इसका प्रतिकर्षण लग रहा होगा, इस वाले H से इसका प्रतिकर्षण लग रहा होगा। लेकिन नहीं भाई, ये प्रतिकर्षण नहीं करेंगे। ये एक कार्बन, ये वाला तो अप था, और ये वाला कार्बन क्या है? डाउन है। इसका मतलब ये ऐसे हैं, इक्वेटोरियल तो हैं लेकिन ऐसे हैं। हाइड्रोजन इधर है, CH3 इधर है। जब ये इतने दूर दूर हैं तो ऐसे तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित नहीं कर सकते। इसका मतलब यहाँ पर कोई प्रतिकर्षण नहीं है, यहाँ पर कोई भी 1-3 इंटरेक्शन नहीं है, इसलिए ये वाली फॉर्म क्या होगी? स्टेबल होगी। तो यहाँ पर क्या हुआ? अस्थाई। किसकी वजह से? 1-3 हाइड्रोजन CH3 इंटरेक्शन की वजह से। इंटरेक्शन मतलब अंतरक्रिया। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर 1-3 इंटरेक्शन है, वो भी कितने? दो। दो क्यों है? क्योंकि एक तो इस हाइड्रोजन से और एक इस हाइड्रोजन से। तो यहाँ पर 2-1-3 हाइड्रोजन CH3 इंटरेक्शन है, जिसकी वजह से इस फॉर्म की एनर्जी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, और ये क्या हो जाती है? अस्थाई हो जाती है। जबकि यहाँ पर एक भी 0-0 H CH3 इंटरेक्शन है, यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन CH3 को अपोज नहीं कर रहा है, इसलिए ये वाली फॉर्म की एनर्जी क्या होगी? सबसे कम होगी, यानी सबसे ज्यादा स्थाई। तो ये वाली फॉर्म इसमें चेंज होना चाहेगी। तो यहाँ से निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष ये निकलता है कि जब भी हमारे पास कोई बल्कि ग्रुप हो, CH3 क्या है? एक बल्कि ग्रुप है, या कोई भी सब्स्टिट्यूएंट हो, उसको हमेशा हमें कहाँ जोड़ना है? इक्वेटोरियल पर रखना है, क्योंकि इक्वेटोरियल पर रखेंगे तो उसका प्रतिकर्षण जो होगा वो कम होगा और वो ज्यादा स्टेबल होगी। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकलता है? इनसे निष्कर्ष निकलता है कि जब भी साइक्लोहेक्सेन पर कोई बड़ा समूह लगता है तो वो हमेशा इक्वेटोरियल स्थिति पर अधिक स्थायी होता है, ठीक है। यानी कि अगर हाइड्रोजन की जगह हम कोई भी ग्रुप जोड़ रहे हैं, CH3 हो, OH हो, CHO हो, COOH हो, हमेशा उसको कहां पर जोड़ना है? इक्वेटोरियल पर जोड़ना है, तभी स्टेबल फॉर्म बनेगी। और हमको हमेशा क्या बनानी होती है? स्टेबल फॉर्म। यानी कि अगर आपको केवल ये दे दे और ये पूछे कि इसकी स्टेबल फॉर्म बनाओ, तो आप सीधे सीधे बनाओगे चेयर फॉर्म, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन है तो CH3 को कहां जोड़ोगे?
इक्विटोरियल पर जोड़ोगे, CH3 को कहाँ जोड़ोगे, इक्विटोरियल पर। कभी भी ऐसा नहीं करोगे कि CH3 को आप लगा दिया H को डाउन, क्योंकि यहाँ पर भी हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन होगा, इसके साथ इसका क्या होगा, इंटरेक्शन होगा, और इस इंटरेक्शन की वजह से ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। और हमको कौन सी पूछिए, स्टेबल फॉर्म बनानी है। तो हमेशा जब भी हम साइक्लोहेक्सेन के रिएक्शन कराते हैं, तो हमेशा इस फॉर्म में लेते हैं, इस फॉर्म में कराते हैं। और इस फॉर्म में एक बात का आपको खास तौर से ध्यान रखना पड़ता है कि हमको मोस्ट स्टेबल फॉर्म बनानी पड़ती है। जब भी रिएक्शन करानी हो तो मोस्ट स्टेबल फॉर्म बनानी पड़ती है। और मोस्ट स्टेबल फॉर्म वो होगी जहां पर जो बल्की ग्रुप लगे हुए हैं वो हमेशा कहाँ होने चाहिए, इक्विटोरियल पर होने चाहिए। बल्की ग्रुप कहाँ होने चाहिए, इक्विटोरियल पर। ठीक है, तो ये थे साइक्लोहेक्सेन के मोनो प्रतिस्थापी संरूपण। दो बनते हैं, एक ये और एक ये, एक में CH3 अप है तो ये कैसा है, अस्थायी। एक में CH3 क्या है, अप ही है लेकिन इक्विटोरियल है। यहाँ पर कैसा है, एक्सियल है। CH3 कैसा है, एक्सियल है, जबकि यहाँ पर CH3 कैसा है, इक्विटोरियल। तो यानी कि कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास कोई समूह है प्रतिस्थापी, अगर हम उसको एक्सियल लगाते हैं तो वो अस्थायी हो जाएगा, क्योंकि वहां पर क्या होता है, 1,3 हाइड्रोजन इंटरेक्शन लगता है ना। और अगर हम उसको इक्विटोरियल स्थिति पर रखेंगे तो वो सबसे ज्यादा स्थायी होगा, क्योंकि इक्विटोरियल पर वहां पर कोई भी प्रतिकर्षण नहीं होगा। तो हमको हमेशा मोस्ट, जब रिएक्शन कराना होगा तो मोस्ट स्टेबल यानी कि सबसे ज्यादा स्थायी अवस्था बनानी पड़ेगी। और स्थायी अवस्था में CH3 को हमेशा कहाँ रखना पड़ेगा, इक्विटोरियल, यानी बल्की ग्रुप को हमेशा कहाँ रखना है। बस एक चीज़ याद रखिए, बल्की ग्रुप को हमेशा इक्विटोरियल रखना है। हालांकि कभी कभी कंडीशन ऐसी आती है कि जब हमको मजबूरी में बल्की ग्रुप को अप रखना पड़ता है, वो कब आती है, जब आपको स्टीरियो केमिस्ट्री गिवन हो क्वेश्चन में। ठीक है, यानी कि जब दे रखा हो क्वेश्चन वाले ने बनाने में दिए रखा हो कि CH3 अप ही है और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, अगर आपको अप लगाना है तो वो एक्सियल ही लग सकता है, इक्विटोरियल में जा ही नहीं सकता, अप हो ही नहीं रहा है, तो फिर आपको मजबूरी में CH3 को अप लगाना पड़ेगा। ये तब की बात है जब गिवन हो आपको ऐसा, ठीक है, दिया गया हो। अगर दिया गया नहीं है, यहाँ पर जैसे कि इस केस में CH3 की स्टीरियोकेमिस्ट्री दी नहीं गई है, और दी नहीं गई है तो हम उसकी क्या बनाएंगे, मोस्ट स्टेबल फॉर्म बनाएंगे। और मोस्ट स्टेबल फॉर्म में हमेशा जो बड़े बड़े ग्रुप होते हैं वो कहाँ होते हैं, इक्विटोरियल पर होते हैं। ठीक है, तो ये थे साइक्लोहेक्सेन के कन्फॉर्मर्स। ठीक है, और हमने सारी समावयवता पढ़ ली है, प्रकाशिक समावयवता, ज्यामितीय समावयवता, संरूपण समावयवता, सारी तरह की समावयवताओं को डिटेल्स में पढ़ लिया है, और इतना ही आपके सिलेबस में है। तो आपकी ये जो यूनिट है वो यहाँ पर खत्म होती है। थैंक यू।